मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने कार्यक्रम को खत्म करके दिल्ली रवाना हुए थे MIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट करके गाड़ी पर गोलीबारी का दावा किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि कुछ देर पहले ही छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई हैं, 4 राउंड फायरिंग हुई है, 3 से 4 लोग थे, सब के सब भाग गए हैं, हथियार वहीं छोड़ गए हैं और मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, लेकिन दूसरी गाड़ी में वो बैठकर वहां से निकल गए हैं और सब महफूज है। ये ट्वीट करके जानकारी असदुद्दीन ओवैसी ने दी है। ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलने की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और अधिकारी पहुंच गए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है। एडिशनल SP हापुड़ के अनुसार नोएडा के रहने वाले सचिन ने अपने साथी के साथ मिलकर ये फायरिंग की थी। उन्होंने कहा है कि सचिन हिरासत में ले लिया गया है। इसके पास से 9 mm की पिस्टल भी बरामद हुई है। इस पूरे मामले में MIM पार्टी के इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से वो रोज जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, पदयात्रा करते हैं, सभाएं लेते हैं, आज मेरठ के पास उनकी पदयात्रा भी थी, सभा भी थी, और वो लौटकर वापस जब आ रहे थे तो 3-4 लोगों ने अचानक उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया। 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन लकीली किसी को कुछ हुआ नहीं। वहाँ पर हड़कंप मच गया और असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी तरह से दूसरी गाड़ी के अंदर बिठाकर वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। जो लोगों ने हमला किया है वो लोगों ने हथियार वहीं पर डालकर गए हैं। इस अटैक के अंदर किसी को कोई जीवित हानि तो नहीं हुई है, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इस तरह का हमला हुआ है। 1-2 महीने पहले उनके घर के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ है, और आश्चर्य की बात है उनका घर जिस अशोका रोड के ऊपर है उसके बिल्कुल रोड के उस तरफ है तो पुलिस स्टेशन है। अगर पुलिस स्टेशन के सामने अगर गुंडों की इस तरह की हिम्मत हो रही है कि वो घर के ऊपर और मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड एरिया के अंदर अगर होता है, ये मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था, हमने सरकार को यह बताया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगातार उनको धमकियां मिलती है, उनको डराया जाता है, उनके ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं, तो क्या वजह है कि ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए किस बात का वो इंतज़ार कर रही है? अगर ये गोली अगर लग जाती तो सोचिएगा कि क्या आज हाल होता है। ये तो खुशकिस्मती थी, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बच गए हैं करके, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जो कोई भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना। सर ये बताइए, अभी फिलहाल ओवैसी साहब कहाँ हैं? ओवैसी साहब को अभी दूसरी गाड़ी से वहाँ से निकाला गया है और वो अपने घर की तरफ अभी आ रहे हैं।